तीन बर्नर में बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आप यहाँ पे सेल डालेंगे इसके, और ओरिजिनल जो है ये एलपीजी में आप जो सी गैस में भी लेंगे, अगर आप घर की गैस पे चलाना चाहते हैं तो वो भी आपको ओरिजिनल गैस में मिल जाएंगे, और अगर आप एलपीजी पे सिलेंडर पे चलाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। सेल्फ डालेंगे और यहाँ से जो है इसको आप वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें प्रॉपर से चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक दिए हुए हैं। ये देखें, अगर मैंने लॉक लगा दिया इसको, अब बटन को प्रेस करेंगे, बटन प्रेस नहीं होगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ये बटन प्रेस हो गया, और यहाँ से जो है आप इसको फ्लेम को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सेंसर लगे हुए, इनका काम ये होता है कि अगर आपने कोई चीज इसके ऊपर रखी हुई है, ओवर हीट हो रही है, जो है वो चीज बाहर नहीं गिरेगी, सेंसर जो है ये आग को ऑटो स्लो कर देंगे, और अगर इसके ऊपर यानी कि अगर कोई चीज पक रही है तो आग जो है ऑटो स्लो हो जाएगी, चीज बर्तन से बाहर नहीं। तो वीवो इसमें आपको सादा मॉडल भी मिल जाएंगे और नॉनस्टिक मॉडल भी, सिंगल बर्नर में ये देखें, ये नई कंपनी का है, ये डबल बर्नर में नॉनस्टिक मॉडल। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस टॉक इन पाकिस्तान। व्यूअर आज जो आएंगे जापानी स्टोव के बारे में आपको रिव्यू देंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें जो है आपको मालूम है कि हम आपके लिए मुख्तलिफ इम्पोर्टेड आइटम लेके आते हैं, तो आज जो है हम जापानी स्टोव लेके आए हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, कहाँ से मिलेंगे और किस तरह जो है आप परचेज कर सकते हैं, और क्या रेट्स हैं इनके, किस तरह ये वर्किंग करते हैं। तो अभी भाई इसमें जो है हमारे पास, ये देखें, सबसे पहले तीन बर्नर में बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, इसमें जो है प्रॉपर से एक इसको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से जो है इसको आप यहाँ पे सेल डालेंगे इसके, और ओरिजिनल जो है ये एलपीजी में आप जो सी गैस में भी लेंगे, अगर आप घर की गैस पे चलाना चाहते हैं तो वो भी आपको ओरिजिनल गैस में मिल जाएंगे, और अगर आप एलपीजी पे सिलेंडर पे चलाना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे। ये देखें, ये जिस तरह ये वाला है, ये एलपीजी में प्रॉपर से ये एलपीजी का बना हुआ है सिलेंडर पे चलाने के लिए। तो यहाँ से जो है यहाँ पे इसमें सेल्फ डालेंगे और यहाँ से जो है इसको आप वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें प्रॉपर से चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक दिए हुए हैं। ये देखें, अगर मैंने लॉक लगा दिया इसको, अब बटन को प्रेस करेंगे, ये वो नहीं होगा, बटन प्रेस नहीं होगा, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ये बटन प्रेस हो गया, और यहाँ से जो है आप इसको फ्लेम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है वीवो इसकी कंडीशन चेक कर लें, जिस तरह बिल्कुल न्यू की कंडीशन होती है, इस तरह इसकी कंडीशन है, और बिल्कुल जो है साफ और ऐसे जैसे न्यू की कंडीशन होती है। हालांकि ये यूज में होते हैं, वैसे यूज होते हैं, थोड़े बहुत यूज होके आते हैं, तो कंडीशन बिल्कुल इनकी साफ होती है। तो इसके अलावा जो है ये इसके दूसरे बर्नर का है, ठीक है, ये दूसरे बर्नर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये फिर आगे तीसरे बर्नर का है, और ये यहाँ से जो है आप इसको ग्रिल को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तमाम के नीचे जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉक लगे हुए हैं, ये इसके सेंसर कंट्रोलर को जो है ये इसका बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप सेंसर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इसमें जो ये सेंसर लगे हुए हैं, इनका काम ये होता है कि अगर आपने कोई चीज इसके ऊपर रखी हुई है, ओवर हीट हो रही है, आप किसी और काम पे लग गए हैं, तो बर्तन से जो है वो चीज बाहर नहीं गिरेगी, आठ ये जो सेंसर जो है ये आग को ऑटो स्लो कर देंगे, और अगर इसके ऊपर यानी कि अगर कोई चीज पक रही है तो आग जो है ऑटो स्लो हो जाएगी, चीज बर्तन से बाहर नहीं निकलेगी। और इसी तरह जो है अगर बर्तन इसके ऊपर नहीं भी रखा हुआ तो आग जो है थोड़ी देर जलने के बाद जो है ये बंद हो जाएगा, यानी कि गैस जो है जाया नहीं होगी। और दूसरा यह है कि इसमें गैस लीकेज का खतरा भी नहीं होता, इसमें एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग तक अगर आप नहीं इसके इसको यूज करते तो ये ऑटो जो है फ्लेम को जो है वो पीछे से कट कर देगा, जो इसकी गैस जो है वो कट कर देगा। और उसके अलावा जो है इसमें ये बेकिंग ओवन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप फिश वगैरह, रोस्ट वगैरह, पिज्जा वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें जो है तमाम मॉडल जो है इसमें हमारे पास अवेलेबल है, ये नॉनस्टिक वाला मॉडल है, इसमें हमारे पास सादा वाले मॉडल भी मिल जाएंगे, सादा में जो है वो आपको मिल जाएगा 17,000 तो वीवो इसमें आपको सादा मॉडल भी मिल जाएंगे और नॉनस्टिक मॉडल भी मिल जाएंगे। सादा मॉडल जो है वो आपको 16,000 रुपए का मिल जाएगा, और ये नॉनस्टिक वाला मॉडल जो है ये देखें बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, ये वाला मॉडल जो है ये आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए का। और इसमें हमारे पास सिंगल बर्नर में भी मिल जाएंगे और डबल बर्नर में भी मिल जाएंगे। सिंगल बर्नर में ये देखें, ये नई कंपनी का है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में ये आप ये भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो है ये हमारे पास प्लोमा कंपनी का, इसमें हमारे पास तमाम वैरायटी जो है अवेलेबल है, तो ये आपको मिल जाएंगे। उसमें जो है सिंगल बर्नर में जो है ये आपको मिल जाएगा 7 स्टार इलेक्ट्रॉनिक की तमाम ब्रांच के ऊपर से, इसमें गैस वाले भी मिल जाएंगे और एलपीजी में भी मिल जाएंगे। ये इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ और आपको मिलेगी 7,000 रुपये। और इसके अलावा जो है ये डबल बर्नर में नॉनस्टिक मॉडल भी आए हुए हैं हमारे पास, सादा मॉडल भी हैं, और इसमें जो है ये यहाँ पे ये देखें सेल डालेंगे, यहाँ पे सेल डालेंगे, नई कंपनी का है ये, और यहाँ से जो है ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लेम को। और ये इसका बेकिंग ओवन है, जिस तरह आपको उसका समझो बताया ओपन करके, ये इसका बेकिंग ओवन है, यहाँ से जो है इसको फ्लेम कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और इसी तरह नीचे जो है इसमें कलर फिर आपको मिल जाएंगे, और इसमें जो है सेंसर वगैरह जो है ये बिल्कुल उसी तरह काम करेंगे। और कंडीशन इसकी देख लें, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में। तो व्यूअर ये डबल बर्नर सिंगल बर्नर ये तमाम वैरायटी जो है आपको सेवन स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम ब्रांचेस के ऊपर से मिल जाएगी, और डबल बर्नर में जो है वो आपको रेट मिल जाएंगे 11,000 से 16,500 की रेंज में मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मौजूद है, अगर आप शॉप विजिट करना चाहते हैं तो आप शॉप विजिट करके भी ले सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सादा वाले मॉडल हैं वो आपको मिल जाएगा 11,000 रुपये का, और नॉन स्टिक वाले मॉडल जो हैं वो 14,500 और 16,500 तक उनके रेट हैं। तो वो आज तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।